जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्री से भरी बस पर हुए आतंकी हमले में 10 लोगों की मौत पर महाराष्ट्र के विपक्ष नेता बोले। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों में मोदी कुछ कर नहीं पाए हैं। मोदी का सर्जिकल स्ट्राइक बोगस था। तीर्थयात्रियों से भरी बस पर जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में 10 यात्रियों की मौत हुई है, जिसके बाद अब इस मुद्दे पर राजनीति होती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के विपक्ष नेता वडेट्टीवार ने कहा कि कलम 370 हटाने का फायदा किसको हुआ है, 370 हटाने के बाद आतंकी घुसपैठ क्यों कम नहीं हुई है, इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर में कुछ भी ठीक नहीं है। अभी भी जम्मू कश्मीर में वैसे ही स्थिति है। मोदी जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं वो बोगस है, अब ये बात साबित हो गई है। मोदी सरकार आल्यापासून 10 वर्षांमध्ये मी घोटाळ्यांची यादीच वाचून दाखवली, आपल्या अतिरेक्यांच्या कारवाईची यादी आपण दाखवली, कुठे बॉम्बस्फोट झालाय, कुठे दंगली झाल्यात, कुठे अतिरेक्यांनी केलंय, काय झालं 370 ची कलम हटवून, किती काश्मीर पंडित जाऊन स्थिर झाले, काय उपयोग झाला। ठीक आहे, त्यांना वाटत असेल 70 नाही, आपले भारतातले लोक जाऊन घर बांधणार होते, झाले काय? 370 चा फायदा नक्की कोणाला झाला? जर झाला असेल तर मग अतिरेकी का आले, घुसखोरी का थांबली नाही? एवढं काल जर 10 लोकांचा जीव जातो, बसवर गोळीबार होतेची माहिती आहे, याचाच अर्थ जम्मू काश्मीरमधले आलबेल नाही, अजूनही ती स्थिती आहे। मोदी फार काही करू शकले नाही, सर्जिकल स्ट्राईक जो होता तो बोगस होता, हे आता सिद्ध झालेला। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।